ऑलराइट, अगला अवार्ड देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सिकंदर खेर एंड डेजी शाह। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड मनीष, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। प्लीज, आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट शशि जी एंड अनु जी फॉर पुटिंग दिस अप एवरी ईयर। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर एंड वोंट बी पकाउंग यू ऑल एनी मोर। मूविंग ऑन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर नेक्स्ट अवार्ड इज अ वेरी स्पेशल वन, और ये एक ऐसे एंटरटेनर को जाता है जो अलग अलग शोज में अलग अलग रूप में नजर आए हैं, वो चाहे एमटीवी स्पिट्सविला हो या फिर चाहे वो एमटीवी स्प्लिट्सविला हो या कलर्स पे झलक दिखला जा स्टार परिवार। वेल, इन्होंने होस्ट किया है और आपको एंटरटेन किया है, खतरों के खिलाड़ी में एज कंटेस्टेंट बन के खतरों का सामना किया। वेब सीरीज की बात करें तो स्टेट ऑफ सीज 2611 और रूहानियत में अपनी एक्टिंग की एक अलग छाप छोड़ दी है। सो दिस ITA अवार्ड गोज टू द एंटरटेनर ऑफ द ईयर, यस, वेरी टैलेंटेड एंड अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अर्जुन बिजलानी। यार नहीं, 30 सेकंड लूंगा कसम से। सबसे पहले थैंक यू स्टार प्लस, थैंक यू ITA अवार्ड्स। आई थिंक 22 इज स्पेशल। मैं बाहर बोल रहा था कि मैं अभी नंबर 4 हूँ, शायद इस बार मुझे ITA अवार्ड मिल जाए। दिस इज माई फर्स्ट ITA अवार्ड, दिस इज वेरी स्पेशल एंड माई फर्स्ट नॉमिनेशन एवर एज एन एक्टर। मुझे याद है लेफ्ट राइट लेफ्ट के लिए मुझे मिला था और वो ITA के लिए ही था। सो ITA इज वेरी स्पेशल फॉर मी, मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि पहला नॉमिनेशन ITA के लिए मिला था और आज इतने सालों बाद ITA अवार्ड मिला। सो थैंक यू अनु जी, शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑफकोर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल द डायरेक्टर्स हुव एवर वर्कड विथ मी, थैंक यू, ऐसे ही काम करते रहना। रोहित सर, बहुत डैशिंग लग रहे हो, आई लव यू। आपने बहुत सपोर्ट किया खतरों के खिलाड़ी के लिए, इसलिए भी जीता हूँ। Thank you so much and thank you everybody who's present out here. Thank you Manish or thank you Star Plus. Thank you fans, thank you everybody, thank you and big congratulations to you. Thank you my brother. All right, well thank you so much and thank you presenters for doing the honor, but main chahunga aap ek aur award deke jaye to mujhe bada maza aayega. Yes ladies and gentlemen.